मोबाइल नीचे कर लिया, सब तरह का टेस्ट कराएंगे और हमारे तो बहुत पुराने समाज के सरकारी खर्चे पर होगी सर, सरकारी खर्चा भी करेगी तो वो तो करेगी ही, वो तो उनका अधिकार है, उनका तो अधिकार है, वो सब कुछ सरकार करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो किया हुआ पहले से बना हुआ नियम ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सब तो होगा ही, लेकिन जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो यही हम लोगों की कामना है। हालात स्टेबल है और आप लोग सब लोगों की जानकारी में पहले से ही होगा कि किडनी और हार्ट का शुरू से ही इलाज जो है दिल्ली में चलता रहा है, तो बाकायदा एम्स में चलता रहा है और जो डॉक्टर जो देखते रहे हैं, जिनको लालू जी के मेडिकल हिस्ट्री का और इलाज का ट्रीटमेंट का सारा जानकारी पता है, प्राप्त है, तो वहीं हम लोगों की राय बनी कि वहां ले जाकर के इनकी इलाज जो है वहीं कराया जाए, ट्रीटमेंट कराया जाए, तो कहीं कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए जो है हम लोग दिल्ली हम लोग लेकर के जाएंगे। और सब लोगों का प्रार्थना और दुआ जो लोग कर रहे हैं, जो लालू जी के चाहने वाले लोग हैं, शुभचिंतक हैं, हम उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस घड़ी में सभी लोगों की दुआ और प्रार्थना जो है वो काम आ रहा है और लालू जी के सेहत जो है पहले से सुधार हुई है। तो और तो ज़्यादा कोई विशेष नहीं है, आप सब लोग की जानकारी में है ही, दिल्ली का इलाज चलेगा और पहले से भी पता था कि सिंगापुर ले जाना है, तो सिंगापुर ले जाना था, 10-15 दिन बाद ले जाना था, लेकिन अब तो फ्रैक्चर हो चुका है और कुछ और बीमारियों का इलाज भी चल रहा है, तो एक बार दिल्ली हम लोग जाएंगे पूरी तरीके से, जो डॉक्टरों की राय होगी दिल्ली में भी, अगर सिचुएशन अगर सिंगापुर भी ले जाने लायक होगी तो हम लोगों का प्रयास रहेगा कि सिंगापुर भी हम लोग ले। मुख्यमंत्री भी नहीं, देखिए इस घड़ी में सब लोगों, हर कोई नेता ने, चाहे पक्षी पक्ष के लोग हों, सत्ता दल के हों या विपक्ष के हों, सभी लोगों ने फोन करके हमसे हालचाल जाना। कल प्रधानमंत्री जी का भी फोन आया था और जब से एडमिशन हुआ है अस्पताल में तब से मुख्यमंत्री जी लगातार फॉलोअप भी ले रहे थे, सभी मंत्री से लेकर राहुल गांधी जी हों या प्रियंका गांधी जी हों, उनसे भी हमारी बात हुई है, उन लोगों ने भी चिंता जताई है और वो सब लोग यही दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द लालू जी स्वस्थ हों।